उमा की सारी कोशिश रही फेल। अजी हो जो गया राज का अपनी असली माँ सावित्री से मेल, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं क्योंकि गौरी अब भी राज को मिली नहीं। तो गौरी है कहाँ जिसे ढूंढने निकला है राज? अरे ये क्या, कहाँ आ गई गौरी? और ये कौन सा चक्र है जो दिख रहा है इतना खतरनाक? लगता है कयामत की रात में कयामत ही आ गई गौरी पर। तो क्या हो रहा है यहाँ, चलिए जानते हैं गौरी से। अरे भाई, कयामत की रात में सिर्फ और सिर्फ कयामत ही आया है। अब तक जितना भी मैंने शूट किया है, अब कुछ ऐसा सीक्वेंस है कि मैं शालिग्राम ढूंढने जा रही हूँ और ढूंढते ढूंढते जो मुझे पड़ाव सब क्रॉस करने हैं उसमें आज तो मैं ज़मीन पे भी लिट के चली गई हूँ। और ये कुछ उन्होंने नया चेन टाइप बनाया है, उसके नीचे से मैं गुजर के जाती हूँ। वो एक पत्थर लाने के लिए था कि शालिग्राम से मैं अपने पति राज को बचा सकूं। अच्छा, तो राज की जान बचाने के लिए शालिग्राम की तलाश में आई है यहाँ गौरी, जिसे रोकने के लिए दो गुंडे भी आ गए यहाँ। गौरी इन्हीं से बचते बचाते चक्र के अंदर तो चली गई, लेकिन उसे मिली यहाँ एक बुक। तो क्या है इस किताब में ऐसा गौरी? बुक में आई थिंक मैप है जो शालिग्राम के जो शालिग्राम तक पहुंचा सके मुझे। तो गौरी क्या इस कड़ी परीक्षा से बाहर निकल पाएंगी आप आसानी से? गौरी कहीं ना कहीं जो भी संकट में रहती है वो उससे बाहर आ ही जाती है, भगवान उनके साथ है। तो ये भी कड़ी परीक्षा के बाद, बहुत मेहनत के बाद गौरी बाहर निकल ही जाएगी। वैसे आप है हिम्मत वाली, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये तो बताइए गौरी, इस खतरनाक चक्र में आकर शूट करना कैसा रहा आपके लिए? हाँ जी, मतलब बहुत ही हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें रिहर्सल्स करे जाते हैं कि कैसे इससे बचना चाहिए। एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यू नो सब कुछ स्मूथली जाए, एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, बोल कर नहीं आते एक्सीडेंट्स। तो हम अपनी सेफ्टी के साथ ये सब करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा चेन का उन्होंने बनाया है जहाँ ब्लेड और वो सब है, तो बहुत ही डिफिकल्ट था पर कर लिया। गौरी हम जानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेंगी, और अब तो राज भी है आपके साथ, तो फिर फिक्र की क्या है बात।